राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी का पार कृपा हो, आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो। यही प्रार्थना करता हूँ बारंबार मेरे महाप्रभु बाबा नीम करौली जी से और सभी देव देवताओं से, मेरे सभी भाइयों के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। आपके सभी कष्ट दूर हों मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं। इसी मंगल प्रार्थना से मैं हर वीडियो बनाता हूँ। मेरे सभी भाई कुशल मंगल रहें, सबका भला तो अपना भला। जय बाबा नीम करौली महाराज जी। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये कहावत हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन इसका सही अर्थ जो है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। जो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये कहावत कैसे चली और कैसे कैसे इसमें बदलाव हो गया। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यह कहावत ही हम गलत बोलते हैं। मूल कहावत है धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। कुत्ता कहा जाता है उस लकड़ी को जिसका प्रयोग धोबी कपड़े को पीटने के लिए करता था। मूल कहावत का कुत्ता उच्चारण की गलती से या भाषाई अपभ्रंशता से उसका कुत्ता हो गया और इस कहावत में हम इसी की तरह कुत्ता कहने लगे, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अब बात करते हैं कहावत धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का प्रचलन में कैसे आई। प्राचीन समय में धोबी कपड़े धोने के लिए किसी निश्चित घाट पर जाते थे। आज भी शहर में धोबी घाट हैं, लेकिन अब शायद ही कपड़े धोने के लिए वहाँ कोई जाता होगा। उस समय धोबी भारी और बड़े कपड़ों को धोने के लिए एक विशेष बड़ी लकड़ी जिसका नाम कुत्का होता था उसका प्रयोग करता था। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में कपड़े धोने के लिए महिलाएं एक लकड़ी का प्रयोग करती हैं, जिसे थापी या क्षेत्रीय भाषाओं में थपकी या मोगरी, इसी अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम हो सकते हैं। हालांकि यह कुत्का से छोटी नहीं, कुत्का से बहुत छोटी होती है। कुत्का बहुत बड़ा होता है थापी से और भारी होता है। धोबी कुत्का को भारी होने के कारण ना तो रोज़ घर ला सकता था और न ही चोरी के डर से घाट पर छोड़ सकता था। इसलिए वह कुत्के को घाट के आसपास ही किसी पेड़ के नीचे या झाड़ी में छुपा देता था और दूसरे दिन वहीं से फिर उठा लेता था। इसलिए शायद यह कहावत प्रचलन में आई कि धोबी का कुत्का घर का ना घाट का, जिसे समय के साथ भाषाओं ने कुत्के को कुत्ता कर दिया। ये सत्यता है दोस्तों, आगे भी शेयर करें। इसमें महत्वपूर्ण बहुत बढ़िया कहानी है मेरे भाई। आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा हो, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी।